क्यों भाई इतने ठंड में नारियल पानी बेच रहा है, कोई पीता भी है क्या? कुछ लोग हैं पागल जो ठंडी में ज्यादा पीते हैं सर। अरे बाप रे कैसे लोग हैं, मुझे भी देना एक ज्यादा पानी वाला। हाँ वो मुझे सर्दी हो गई ना इसलिए। सर्दी के लिए? अच्छा ठंड में इसे पीने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? भैया पास में कोई रेस्ट रूम है क्या? रेस्ट टॉयलेट पूछ रही है। अच्छा टॉयलेट आगे वहाँ से नीचे उतर जाइएगा, वहीं पे मिल जाएगा आपको, जाइए। ओके थैंक यू भैया। मैंने उन्हें रास्ता बताया और वो मुझे भैया बोल रही है। पचास में वॉशरूम कहाँ है? वहाँ पे है। थैंक यू। मोबाइल छीन उससे। मोबाइल गए। कौन है तू? तुम ठीक हो ना? हे! क्या हुआ? तुम मेरे लिए हीरो की तरह फाइट कर रहे थे ना, इसलिए मैं हीरोइन की तरह फील कर रही हूँ। क्या तुम्हें थैंक्स कहने के लिए मैं हग कर सकती हूँ? थैंक्स बोलना है क्या तुम्हें? यू आर वेलकम। एक्चुअली मेरे लिए कभी किसी ने ऐसे फाइट नहीं की ना, इसलिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। बाय द वे मेरा नाम अदिति है, मैं उडुपी से हूँ। मेरी फैमिली में चार लोग हैं, मम्मी पापा मेरा भाई और मैं। तुम्हें एक सीक्रेट बताऊँ? मैं ना म्यूजिक सीख रही हूँ, और जब मैं म्यूजिक सीख जाऊंगी तब मैं बहुत बड़ी सिंगर बन जाऊंगी। तुम श्रेया घोषाल को जानते हो ना, उसी की तरह। तुम अभी गाना गाने के लिए मत बोलना। मैं अभी रेडी नहीं हुई हूँ। एक्चुअली ना मैं ऊटी में पढ़ाई कर रही हूँ, अपने सेकंड ईयर का एग्जाम फिनिश करके घर ही आई हूँ। ओह माय गॉड, एक साल में मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद मैं शादी करके सेटल हो जाऊंगी। अगर मैं शादी करूंगी ना तो सिर्फ लव मैरिज करूंगी। लव मैरिज में बहुत थ्रिल होता है ना, मुझे पता है, मैंने मूवीज में देखा है। एक बात बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं उडुपी।
ओह तो तुम भी मेरे होम टाउन जा रहे हो, क्या तुम मुझे ड्रॉप कर सकते हो? वो क्या है कि हग नहीं किया, कोई बात नहीं, पर ड्रॉप तो कर सकते हो ना? हाँ ड्रॉप कर सकते हो। रुको मैं अपना लगेज लेकर आती हूँ, कहीं मत जाना। हाँ अरे क्या हुआ, वहाँ कोई प्रॉब्लम थी क्या? साड़ी पहनकर देखो फिर पता चल जाएगा तुम्हें। अदिति तुम कहाँ थी? क्या रंगना तुम कहाँ हो, कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तुम बहुत केयरलेस हो गए हो, शक किसी बात का ध्यान नहीं रखते। मुझे देर हो रहा है, मैं जा रही हूँ। क्या तुम मजाक कर रही हो? कार को रेडी होने में अभी 10 मिनट जाएगा। रंगना अगर कुछ गलत हो जाएगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? अरे रंगना तुम्हारे पापा को जवाब देगा, बोलो। अरे मेरी बात तो सुनो ना, चल यार तुम यहाँ जल्दी से कार रेडी करो, मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रही हूँ। क्या कहा? फ्रेंड? माय चाइल्डहुड फ्रेंड। उसका नाम क्या है? मैं उससे पूछ कर तुम्हें मैसेज कर दूंगी, देख लेना। तुम्हारे पापा को फोन करके बता दूंगा। मैं उन्हें ऑलरेडी कॉल कर चुकी हूँ, उन्होंने तुम्हें घर आने कहा है। घर आने को कहा है? लगता है दोनों बाप बेटी पागल हो गए। अरे भाई गाड़ी ठीक होने में कितना टाइम जाएगा? इस लड़के ने उसे देखा और नारियल पानी पीने आ गया, और लड़की टॉयलेट गई, अब वो दोनों साथ जा रहे हैं, आखिर चक्कर क्या है? मैं अपना बैग कहाँ रखूं? मुझे दो। यहाँ से उडुपी पहुँचने में 4 घंटे लगेंगे ना। देखा तुम कितने लकी हो। क्यों? मेरे दोस्त कहते हैं कि जब मैं उनके साथ होती हूँ टाइम जल्दी से पास हो जाता है। देखना 4 घंटे तो ऐसे बीत जाएंगे। चलो फिर। पर सुनो ना, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती है, तो तुम्हें कार बीच बीच में रोकनी पड़ेगी। बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं। थैंक यू। लेकिन बिल तुम पे करना। हाँ सॉरी, मैं तुम्हारा नाम पूछना ही भूल गई। बहुत जल्दी पूछ लिया तुमने। आदि। आदिति, आदि। नाइस नेम। थैंक यू। तुम इंजीनियर हो या डॉक्टर? मैं गेस करूं? करो। तुम इंजीनियर हो राइट ना? कमाल है। सही है यार। देखा मुझे सब पता है। सुपर्ब। सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर? ये भी मैं गेस करूं? बोलो। हार्ड फाइट करते हो पर तुम्हारा हार्ट बहुत सॉफ्ट होगा, तो तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो राइट ना? करेक्ट है यार। देखा मुझे सब पता है। अनबिलीवेबल। बात को गोल गोल मत घुमाओ, सीधा पॉइंट पर आ जाओ। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? ये भी गेस करके बता दो। तुम दिखने में तो बहुत डिसेंट लग रहे हो। रियली? तो मुझे लगता है कि गर्लफ्रेंड नहीं होगी राइट ना? किसने कहा है कि डिसेंट दिखने वालों की गर्लफ्रेंड नहीं होती? हाँ? लेकिन हाँ तुमने जो कहा बिल्कुल सही कहा है। देखा ना, मुझे तुम्हारा फेस देखते ही पता चल गया था कि तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ होगा। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। तुम हंस क्यों रहे हो? बताओ ना क्या हुआ है। अरे कुछ नहीं, छोड़ो ना। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे ना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। अब जब मैं हाई स्कूल में था तो मुझे प्यार हुआ था। हाई स्कूल में? क्यों, मेरे चेहरे पे नहीं लिखा है क्या? ठीक है, एटलीस्ट मुझे अपनी हाई स्कूल की लव स्टोरी तो बताओ। तो मैं लव स्टोरी सुननी है? मेरी लव स्टोरी 1998 या 99 की है। उस समय मैं बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी लव स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरा घर मैसूर में है, मैं मरिमल्लप्पा हाई स्कूल में पढ़ता था। लेकिन मेरी लव स्टोरी स्कूल में नहीं शुरू हुई थी, बल्कि वो ट्यूशन में शुरू हुई थी। वेट 200 pounds, क्लैश चेस्ट 50, क्लैश चेस्ट 50, क्लैश बाइसेप 18, क्लैश क्लैश हाइट 6.1, क्लैश क्लैश रैंक 2, रैंक 1 रैटल स्नैक। अरे यार स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। आदि आदि वो ना ऐश के साथ आ रहा है यार। ऐश? हाँ। कौन है ऐश यार? मेरी वाली ऐश यार। ऐश? अरे चल यार तुमको दिखाता हूँ, आ जाओ। कौन है? चलो यार जल्दी आओ। तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, बताओ तो कौन है वो? देख यार वो है मेरी ऐश। अरे ये तो सुषमा है ना। हे तेरे को नहीं लगता देखने में वो बिल्कुल ऐश्वर्या की तरह दिखती है? हाँ? कितनी अच्छी स्माइल है। आहा इसीलिए ना मैं उसे प्यार से ऐश बुलाता हूँ। हाँ तो ठीक है ना, बता क्या करूँ अब? यार वो लड़का ना हमेशा उसके साथ ही घूमता रहता है, उसका कुछ करना पड़ेगा यार, कुछ सोचना यार। चल ठीक है आजा। अच्छा कल तुम्हारा टेस्ट है ना? हाँ पता है मुझे। प्रज्वल, I have a doubt man. See, I don't know this one. प्रज्वल, तुम दोनों बात करो, मैं बाद में मिलती हूँ। See this LCM and SCF here. I am so confused. Hey, ट्यूशन में पैसे देता है ना, तो वहाँ जाके ये सब पूछना। चल जा, ट्यूशन में पूछ। ए, क्या देख रहा है? ऐश के आसपास क्यों घूमता रहता है? हाँ? अरे कौन सी ऐश? सुषमा। ओ, इसने तुम्हें बताया क्या? अरे हम क्लोज फ्रेंड है यार,
पूछो इससे, कभी सुषमा से बात की है क्या? ओ, तुझे क्या लगता है वो प्यार नहीं करती है? बता इसे। तूने कभी बात भी नहीं की क्या? हाँ, तो क्या हो गया, इसमें कौन सी बात है? आज ही ये उसे प्रपोज करेगा, चैलेंज। हाँ ए, अगर अगली बार मारा ना तो याद रखना मैं जा करके तेरी मम्मी से बोल दूंगा, समझ लेना। बात करने की हिम्मत नहीं है, बड़ा या प्रपोज करने वाला। क्या रे विजू, ये हमारी इज्जत की बात है, जाके उसे प्रपोज कर दे। अरे नहीं यार, वो हमेशा इंग्लिश में बात करती है। भाई तुम्हारी इंग्लिश तो अच्छी है ना, मेरी तरफ से उसे आई लव यू बोल दो ना। मेरी भी इंग्लिश थोड़ी वीक है। तुझे इंग्लिश में मेरे से अच्छे मार्क्स मिले थे मुझे पता है। मार्क्स की बात अलग है, बात करना, लेकिन दोस्त की इज्जत का सवाल है यार। चल फिर। कल मैथ का टेस्ट है, मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी है। क्या यार, क्या हुआ पता नहीं। अब मैं देखता हूँ। हाय आयुष। सुषमा हाय। व्हाई डिड प्रज्वल रन अवे एज सून एज यू केम हियर? इज देयर एनी प्रॉब्लम बिटवीन यू गाइस? व्हाट्स रॉन्ग, टेल मी। आई टेल मी। शी व्हाट? शी व्हाट? टेल मी। आई ओए पागल, बताना। हाँ, मेरा दोस्त तुमसे प्यार करता है। व्हाट? लव? यस। Listen to me carefully. I am already committed. And don't be a mediator. This is my last warning to you. Don't do this again. Listen. This is not good for you. Listen. Already committed. Understood? You don't be Hello? mediator. Did you understand? Huh? I am already committed. Don't be mediator. Thank you. What? Idiots. Viju, हमारे ट्यूशन में तेरा रैंक कौन सा है? रैंक पता नहीं। ए, उसने बोला क्या बता? तू बता ना। पहले तू बता। तुझे कमिटेड और मीडिएटर की मिलिंग बता है? तो बता रैंक स्टूडेंट कौन है? रैंक स्टूडेंट वो है रीमा, वो आ रही है। तो चल फिर। हाँ। हाय रीमा। हाय रीमा। हाय। तुम रैंक स्टूडेंट हो ना? यस। तो तुम इंग्लिश जानती होगी ना? ऑब्वियसली आई नो। तो तुम्हारा टेस्ट लूं क्या? तो तुम कमिटेड की हिंदी जानती हो क्या? कमिटेड अगर किसी चीज को पकड़ कर रखते हैं और उसे जाने नहीं देते उसे कहते हैं। दोस्त, वो तुम्हारा हाथ पकड़ के रखेगी, तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगी। और ये मीडिएटर का मतलब क्या होता है? मीडिएटर, मीडिएटर मतलब हाउ डू आई टेल यू, हाँ ब्रिज के जैसे। भाई ये बिल्कुल सही बोल रही है। तुम मेरे प्यार के ब्रिज हो ना। हेलो एक्सक्यूज मी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमने जो बोला ना मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं फुल सेंटेंस बोलूंगा, तुम उसे हिंदी में बताओगी। आई एम ऑलरेडी कमिटेड एंड डोंट बी अ मीडिएटर। चलो बताओ। अच्छा तो इसका मतलब है उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और तुम्हें उसके रास्ते में आने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है क्या? तुम रैंक स्टूडेंट हो ना, टेस्ट में पास हो गई, थैंक यू। हां नॉनसेंस विजू, बुरा मत मान यार। चल यार, तुझे वो कौन से एंगल से ऐश्वर्या राय जैसी दिखती है? वो तेरी तरह गोरी भी तो नहीं है रे। रीमा, रीमा, I have one doubt. Please wait. I'm just coming. क्या हुआ? अभी तुमने भी उससे अपना डाउट क्लियर किया ना? चलो निकलो यहाँ से। रीमा, I have doubt. बच्चे भी मुझे डांट रहे हैं यार। क्या टाइम आ गया है मेरा? वो पागल लड़की मेरे ऊपर हंस रही थी यार, और उसके साथ देख यार। आदिर, 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 मैंने रीमा से तेरे प्यार के बारे में सब कुछ फिक्स कर लिया है। हाँ, वो तुमसे बात करने के लिए वेट कर रही है। चल मेरे साथ, जल्दी आ। अरे चल तो सही। कहाँ ले जा रहा है तू मुझे? कहाँ ले जा रहा है? क्या हो गया? अरे तू चल। ओह, ए जा जा जा, ए जा जा जा। You talk to him, I'll be there. हाँ, हाय, एक बार तुम अपना चश्मा उतारो ना प्लीज। आदि। हाँ। I heard that you love me. Yes, yes. Yes. Your friend only told me. He also told me that if I don't accept your love, then you will commit suicide. Suicide? No. Adi, I have to tell you something very important. I had a very bad past. My parents got separated when I was young. If I accept your love, then my mother will not like it. मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लेके आऊंगा, मैं तुम्हारे पापा के सारे फर्ज निभाऊंगा, मैं तुम्हें अपनी प्रिंसेस की तरह रखूंगा। अरे बाप रे, कितना बोल रही है ये, कैसे मैं इसे ट्रांसलेट करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हां आदि, हां, डिड यू अंडरस्टैंड? इतनी इंग्लिश बोलोगी तो कैसे समझ में आएगा, लेकिन प्यार में ताकत होती है। मैं कर सकता हूं, कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, कर सकता हूं, मैं कर लूंगा मैं। इट्स ओके, इट्स ओके, ओके, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग आदि। बाय।
ये लव स्टोरी है। भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आदि, यहाँ पास में ही एक मंदिर है, क्या हम वहाँ जा सकते हैं? क्या आदि, तुम्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी तो तुमने उसे जाने दिया? तुमने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है क्या? मेरे पापा ने मुझे हिंदी मीडियम में नहीं, इंग्लिश मीडियम में भेजा था। मेरे स्कूल में लड़कियां हमेशा इंग्लिश में बात किया करती थी और हम लड़के आपस में सोल्जर्स की तरह बात करते थे। जब बात हमारे भाषा पे आती थी तो हम भाषा और लड़कियों दोनों को प्रोटेक्ट करते थे। तो तुम्हारी पूरी लव स्टोरी यही खत्म हो गई? हाँ, हाई स्कूल में तो खत्म हो गई थी। हाँ? लेकिन फिर पीयूसी। पीयूसी वो तो लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। तुम्हें लड़कियों के पीछे नहीं पढ़ना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्या? तुम पढ़े थे? लड़कियाँ मेरे पीछे पढ़ती थी, इसीलिए तुम एक इंजीनियर हो, नहीं तो एक रोड साइड रोमियो बन जाते। ठीक है, तो बताओ आगे क्या हुआ? पीयूसी के बाद मैं इंजीनियरिंग करने के लिए गया। वहाँ मैं गेस कर सकती हूँ कि वहाँ क्या हुआ? तुम्हें ये भी गेस करना है? बोलो। इंजीनियरिंग के लिए तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, इंटरनल एक्सटर्नल प्रोजेक्ट्स, और रे बाप रे, ये सब की वजह से तो टाइम ही नहीं मिल पाता। चुप हो जाओ। हा? जब से मिली हो तब से बोले जा रही हो, तुम्हें कोई कुछ बोलता नहीं है क्या? मुझे क्यों कोई कुछ बोलेगा? तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए भेजा था, प्यार करने के लिए नहीं, समझे? मंदिर है ये, पता है, मैं ही तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। भगवान, क्या इसे इंजीनियरिंग में भी किसी से प्यार हो गया था? बताइए ना, बताइए ना। ओह, आप कैसे बताओगे? आप तो मंदिर का दरवाजा बंद करके कहीं चले गए हो। मैं खुद ही इसे पूछ लेती हूँ। क्या तुम्हें इंजीनियरिंग में भी किसी से प्यार हुआ था? हाँ? आदि, आदि, अरे यार, आदि सपोर्ट कर रहा है इसलिए वो विजय हवा में उड़ रहा है। वी शुड हिट हिम गाइस, वी शुड हिट हिम। यस, वी आदि, 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 हे, कम ऑन आदि, 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 आज हमने मैच जीतना ही जीतना है आदि, मजा आ गया। क्या ये मैच डिफिकल्ट है? हाँ दोस्त, एक बॉल में छह रन। आदि, बॉल में छह रन। आदि, दोस्तों, एक बॉल में छह रन। यस यस, क्या बेट लगी है? 100 रुपीज रे। 100 रुपीज दोस्तों, 100 रुपीज। हाँ, अरे भाई उससे नहीं होगा। इंटरेस्टिंग लग रहा है, खत्म होने दो। आदि, 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 आदि। आदि, आदि, आदि। हेलो, ऊपर कहाँ देख रहे हो? नीचे देखो। ये अरे वो तो आउट हो गया। वही तो ट्विस्ट है, मैंने बेट लगाई थी कि वो नहीं जीतेगा, आउट हो जाएगा। मैं जीत गया भाई। बारिश की वजह से फील्ड गीली हो गई है तो बैटिंग करने में प्रॉब्लम होगी। क्या करता है यार, 6 बॉल में 6 रन चाहिए थे, 5 पहले वेस्ट कर दिए, एक ही बॉल बचा था तू, तूने वो भी खराब कर दिया यार। यार कम से कम किसी को तो सुन लिया कर भाई। आराम से बोलना यार, तुझे रन चाहिए ना, मैं रन बनाऊंगा ना। ये ले मिट्टी लगा ले, इससे पावर मिलती है, पता है? ये ले। क्या रे, ऐसे नाटक करो जैसे कि पहली बार हारा हो। चुप रहे ना बे, अगर एक्टिंग नहीं करूंगा तो नेक्स्ट टाइम बैटिंग नहीं करने देगा। जानता कितने लोगों के पैसे डुबो दिए तूने? प्रिंसिपल गुंडू के साथ इस तरफ ही आ रहा है बे। ऐसा क्या? क्या चाहिए तुम लोग को? हाँ? देखो आदि, अब मेरी ऐश, अब मेरी सुषमा। Hey, क्या हो गया इसे? ऐश्वर्या को उससे कंपेयर कर रहा है। अरे कोई बता ना यार इसे, ऐश्वर्या सुंदर है तो हम झगड़ा क्यों कर रहे हैं? लव इज ब्लाइंड यार। करेक्ट विजय। लव नहीं, तुम दोनों ब्लाइंड हो गए। मुझे कुछ नहीं पता, ये फैसला आज ही होगा। भाई 3 साल हो गए हैं ये सब चलते हुए। हाँ? हाँ, तो आज तू यहाँ क्यों आया है? पर मुझे वो चाहिए। हाँ तो ठीक है, ले जाना। मैं फोन करूंगा तो नहीं आएगी? अगर ये करेगा तो जरूर आएगी वो। मैं डिसाइड करके आया हूँ कि ये उसे कभी कॉल नहीं करेगा। दोस्तों, अटैक।
मतलब वही सुषमा ना जो बोल रही थी कि वो कमिटेड है वो? वो सब झूठ था यार। वो विजय जिस दिन मुझे लेकर के उसके पास गया था ना, उस दिन सब कुछ चेंज हो गया। मेरा प्यार उधर मुरझा रहा था और उसका प्यार वहाँ खिल रहा था। अरे मेरा बैट! एक बॉल पे 6 रन नहीं मार पाया और तुझे बैट की पड़ी है। तू जा। अरे मोटू तू सोच क्या रहा है, चल जा। आजा 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 तू भी आजा 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 अरे भाग जा। अरे भाई ए, ये क्या कर रहा है यार, सारे बैट्स और विकेट को तू तोड़ रहा है, ऐसे चलता है क्या? मैंने सब कुछ तोड़ दिया क्या? अरे भाई सॉरी यार, मैं सुबह से तुझे परेशान कर रहा हूँ, सब कुछ इस लड़के की वजह से हुआ है, मैं रन नहीं बना पाया। भाग गया यार। भाई तू टेंशन मत ले, हम दोबारा मैच खेलेंगे, मैं ओपनिंग करूंगा, तू स्ट्राइक पे रहना, समझ गया ना? शिट, क्या हो गया विजू, क्या हुआ? तुम्हारा फोन, क्या हो गया? ओह माय गॉड, विजू मेरे फोन में बस 1 ही रुपए, मिस कॉल कर, कट कर ना, हमें कट कर, व्हाट हैपेंड, आई एम कमिंग। Hey, ये बात तो तू मैसेज में भी कर सकता था ना? अबे कुछ पैसे देना प्लीज। क्यों, क्या हो गया? अबे देना पहले। बस 100 रुपए है यार। अबे ऐश की तबीयत ठीक नहीं है, तुझे पैसों की पड़ी हुई है, चल मेरे साथ। तू कहाँ जा रहा है, वहाँ जाना, बैट ठीक करा खेला। मेरे ऊपर चिल्ला रहा है। ओहो, हे, इतना हॉर्न क्यों मार रहे हो? ये कह रहा था तेरी तबीयत खराब है? हाँ थोड़ी सी सर्दी लग गई। इसको बस सर्दी हुई है, दे दे इसे वापस कर देता हूँ। तू चुप कर। क्या सुषमा तुम भी, वेयर इज योर स्वेटर? बाहर देखो कितनी सर्दी है यार, तू बीमार पड़ जाओगी। टेक दिस फ्रूट्स, ईट स्लीप एंड टेक रेस्ट। तेरा फोन देना। तू तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रही है ना यार, जल्दी कर। प्यार में लोग पता नहीं क्या क्या सीख जाते हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश सिखाई इसे। तुम भी मेरे जैसे एक लड़की ढूंढ लो, वो भी तुम्हें अच्छी इंग्लिश सिखा देगी। हेलो, मैं उसे हिंदी सिखा दूंगा। छोड़ना, मैं तुझे इस नंबर से मैसेज करूंगा, ओके? अबे सुन, दिन में सिर्फ 100 मैसेज ही फ्री हैं। तू कितने मैसेज करता है? हाँ वो भी सही है। अच्छा सुनो, अभी मैं जा रहा हूँ, तुम खा लेना। चल वो खा लेगी। होशियार है ना, बाहर बहुत ठंड है, तो नहीं तुम मुरझा जाओगे ना। बाय बाय। अबे चुपचाप बैठ, जबरदस्ती मेरे 100 रुपए खर्च करवा दिए। बाय। हे सुषमा, वो विजय के साथ कौन था? अच्छा वो आदि है, मेरा बेस्ट फ्रेंड, बहुत डिसेंट लड़का है। मैंने ऐसे लड़कों की डिसेंसी देखी है। हेलो, ये दूसरे लड़कों की तरह नहीं है, अच्छा लड़का है। ओह ऐसा है, उसका नंबर दो मुझे, मैं तुम्हें उसकी डिसेंसी दिखाती हूँ। नो चांस, चैलेंज। हाँ चैलेंज। ए, देख रहे हो दादा, मेरा शेर आ गया। लव यू आदि 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 आदि। देखो फिर से आ गया सामान। इसे इधर क्यों खड़ा किया है? ये फिर से आ गया यार। देख भाई एक ही बैट है, उसे देना नहीं है। हाँ ठीक है, कैश पे ध्यान देना। बेस्ट ऑफ लक। मैं बैटिंग करूंगा। अबे पकड़ से पकड़, अबे पकड़ पकड़ से। हाँ तुम लोग खेलो। आउट हो जाए, 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 आउट हो जाए। ये शिट, दे दे बैट, बैट बैट दे, बैट दे, अबे बैट दे, बैट दे मुझे। ए तू मेरे आउट होने का वेट कर रहा था क्या? बैट जरा संभाल के, ठीक है? तू टेंशन मत ले, चल जा जा। टारगेट कितना है बे? अपना पहले बैटिंग है। अच्छा ऐसा क्या, तेंदुलकर पिच पे आ गया है भाई, तेरे को मैसेज आया है। ऐसा क्या? ए क्या कर रहा है यार, कौन है वो? नाम नहीं पता, नोन नंबर है। तू भी ना, सॉरी भाई, सॉरी प्लीज। उसने लिखा हाय डियर कैसे हो, ऐसा क्या? अरे अरे ये क्या कर रहे हो, बैटिंग मैं करूंगा। हाय आई एम गुड, हु आर यू डियर, टेल मी। हे ये मैसेज डिलीवर क्यों नहीं हो रहा है? तेरे 100 मैसेज का पैक कब का खत्म हो चुका है? लेकिन तू मैसेज किसे भेज रहा था? किसे भेजूंगा, ऐश को भेज रहा था। चल ठीक है, 50 रुपए का रिचार्ज करा क्या? पैसे देना। अरे भाई 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 50 रुपए देना यार प्लीज। मैं मैच खेलने कल आऊंगा, आज मुझे पढ़ाई करनी है ना, ठीक है? नहीं तुमने मुझे मैसेज, सुषमा
एक मिनट रुको, मैं कॉल करती हूँ। तुम बिल्कुल सही कह रही थी, वो बहुत डिसेंट लड़का है। उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। मैंने तो पहले ही कहा था। मुझे बहुत बुरा लग रहा है पता है। अरे कोई बात नहीं, बुरा मत मान, मैं उसे रिप्लाई करने के लिए कह दूंगी। हाँ बाय बाय। फ्री मैसेज के लिए आधी रात तक जागना पड़ता है। कौन होगा ये, लड़का होगा या फिर लड़की? मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये कोई लड़की होगी। ये शगुन है या अपशगुन है? मम्मी कैंडल लेके आओ ना। ये इतनी रात को कॉल क्यों कर रही है? हेलो, तुम सो गए क्या? नहीं नहीं, पढ़ रहा था। बताओ क्या हुआ? तू पढ़ रहा था? लाइट तो है नहीं, तुम कैसे पढ़ाई कर रहे हो झूठे? वो क्या है कि मैं स्टडी पे कंसंट्रेट होने के लिए टाइम टेबल बना रहा था। ओके ये सब छोड़ो, तुम्हें कोई मैसेज आया था क्या? हाँ हाँ, कौन सा मैसेज? अननोन नंबर से तुम्हें कोई मैसेज नहीं आया क्या? हाँ हाँ, कोई मैसेज तो आया था। वो मेरी फ्रेंड है, तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया? अरे बहुत सारी लड़कियाँ मुझे मैसेज करती हैं, सबको मैं रिप्लाई करूँ क्या? अच्छा तुम्हें नहीं लगता ओवर रिएक्ट कर रहे हो? सुषमा, वो जो मैसेज आया था वो किसी लड़के ने किया था या लड़की ने? लड़की ने। अच्छा ठीक है, लाइट आ गई, अब तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। कंटिन्यू करो। ओके रिप्लाई करना, बोलना नहीं, ठीक है ना? बाय। शशमा, मैं तो अपनी पढ़ाई में बिजी रहूंगा, तो तुम उसे कह देना कि मैं रात में 12 बजे के बाद उसे मैसेज करूंगा, ठीक है ना? हेलो हेलो, लगता है पगली ने कट कर दिया। क्या टाइम हो रहा है अभी? 10:30, 11 बजे अभी, 1 घंटा बाकी है। 11:45, 12 बज गए। अरे वाह। यूजली मैं अननोन नंबर पे रिप्लाई नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी लड़कियां मैसेज करती रहती हैं। हाँ ये ओवर एक्टिंग तो नहीं होगी ना? हाँ एक मैसेज आ गया। इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, सुषमा ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया कि तुम बहुत ही डिसेंट लड़के हो और हमेशा तुम्हारी डिमांड रहती है। हाँ सप्लाई कम लेकिन डिमांड ज्यादा है मेरी। हाँ अरे बापे, मैंने इतने सारे मैसेज कर दिए, अब बस 2 ही बचे हैं। हाँ अब क्या मैसेज करूं उसे? हाँ हम कल मिल सकते हैं क्या? हम कल मिल सकते हैं? क्वेश्चन मार्क सेंट। क्या बोलेगी वो? मैसेज आ गया। हाँ श्योर फाइन, टाइम और प्लेस मैसेज कर दूंगी, ठीक है कल मिलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तुम बता दो मैं अभी से वहां खड़ा रहूंगा। अरे नहीं नहीं, कंट्रोल कंट्रोल। हाँ या आई विल मीट यू टुमारो, गुड नाइट डियर। हाँ डियर कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, सिर्फ गुड नाइट लिखता हूँ। हाँ गुड नाइट, गुड नाइट। आधी रात में किसे गुड नाइट बोल रहा है तू? हेलो सर, टेबल फॉर वन ना? कपल्स, आप वहां बैठ जाइए। थैंक यू। पोज लाइक दिस, लाइक दिस, नाउ लाइक दिस। हे वेट वेट वेट, आई विल डू ताल मूवी ऐश्वर्या राय पोज। वाओ ऐश्वर्या। मैम योर ऑर्डर प्लीज। यू हैव दही वड़ा? व्हाट इज दही वड़ा? इतना भी नहीं जानती है, वड़े के ऊपर दही डाल कर देते हैं। अच्छा वो वड़े को दही के साथ मिक्स करके खाने में बहुत मजा आता है। मेरे लिए भी एक ऑर्डर करना। 2 दही वड़े। ओके मैडम। हे करीना कपूर पोज। वाओ करीना कपूर। व्हाट मैन? अरे अरे कुछ नहीं, तुम दोनों को हिंदी आती है क्या? माय मदर टंग इज हिंदी। तो फिर इंग्लिश में बात क्यों कर रही हो? हिंदी में करो ना। व्हाट्स योर प्रॉब्लम मैन? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? आर यू मैड? पागल हो क्या? माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। हेलो वो इंग्लिश में बोल रही है, तुम उसे ट्रांसलेट क्यों कर रही हो? छोड़े से सच लो क्लास पीपल। हेलो लो क्लास किसे बोल रही हो? आइसक्रीम की तरह खुद पिघल रही हो और मुझे लो क्लास बोल रही हो? ओह तो खुद को बहुत हैंडसम समझते हो। और नहीं तो क्या, कोई कमी है क्या मुझ में? गो मैन। अरे यार मैं अभी इन लोगों से इतना झगड़ा कर रहा था, अगर वो प्रीटी नहीं हुई तो मेरा क्या होगा? अरे बाप रे, कहीं रात में मैं जिससे बात कर रहा था वो ये लड़की तो नहीं है? अरे बाप रे। ए गिव शिल्पा शेट्टी पोज। ये मेरी तरफ क्यों आ रही है?
अरे बाप रे, ओह माय गॉड, ये तो बहुत खूबसूरत है। ये मेरी तरफ ही देख रही है। अरे बाप रे, लगता है मैसेज करने वाली लड़की यही है। ये मुझे नहीं, उसे हाई कर रही थी। अरे यार, एक और लड़की आ रही है, कहीं वो तो नहीं है? दोनों की खूबसूरती लगभग सेम ही है। हाय, टू मेनी फोटोज यार, हु आर यू इडियट? ये क्या है? अब हे लूजर, लूजर को ज्यादा ही नाटक कर रही है। हाय, ये थी क्या? हाय हाय हाय, बैठिए ना। तुम ऐसे घूम क्यों रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या हुआ? क्या तुम्हारा सर घूम रहा है? नहीं, वो एक्चुअली कल रात सो नहीं पाया ना, तो इसलिए। हाउ स्वीट, एक्चुअली मैं भी रात भर नहीं सो पाई। पहली बार मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। वो दोनों हमें ऐसे क्यों घूर रही हैं? अब फर्स्ट टाइम मैं किसी लड़की के साथ यहाँ आया हूँ ना, इसलिए। या, सुषमा ने बताया था कि तुम बहुत ही डिसेंट लड़के हो, इसलिए मैंने तुम्हारा नंबर लिया। आदि, हाँ? क्या हम लॉन्ग ड्राइव पे चले? हाँ चलो ना। तुम्हारा नाम क्या है? जोशीता, यू कैन कॉल मी जो। Actually, I want to tell you something very important about my past. Adi, I have to tell you something very important. हम हिंदी में बात कर सकते हैं क्या? What happened? वो क्या है कि हिंदी में अगर बात नहीं होती है तो ठीक है। Actually, मैं एक लड़के से प्यार करती थी। कोई बात नहीं, मैं भी स्कूल में था तो एक लड़की को प्यार करता था, वन साइडेड ही था। वेरी क्यूट। तुम भी। मेरी फैमिली को शादी के लिए मनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं भी अपने पापा से शादी के लिए बात कर लूंगा। हमारे घर में इंटरकास्ट मैरिज अलाउड नहीं है। कोई बात नहीं, मैं कैसे भी मना लूंगा। सो क्या तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज कर रहे हो? इधर आओ ना। इधर देखो, आंखें बंद करो। ठीक से खेले यार। क्या हो गया बे? हे तू अंदर जाना। अरे हुआ क्या? मैंने किस किया? किस किया? सच में यार, ये मेरी पहली किस थी। किसको किया? वो सुषमा। क्या? मेरी सुषमा? नहीं 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 नहीं, सुषमा को नहीं यार, उसकी पड़ोसन को। जो को? हाँ। तू कैसे जानता है उसको? कल रात भर मैं उसे मैसेज कर रहा था। क्या? रात में मैसेज किया, दिन में किस किया? हाँ, कर लिया। और मुझे 3 साल हो गए, गाल पे भी किस नहीं मिला। तुझे भी किस चाहिए ना? मुझे प्यार हो गया बे। जला मत। रुको मैं चाय लेके आता हूँ। 2 चाय देना भाई।
गर्मा गर्म चाय। ओहो, तुमने अपनी प्रिटी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय किया है ना? कॉलेज के समय सब कुछ ब्यूटीफुली लगता है क्योंकि उस समय कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है ना। लेकिन तुम्हें पता है कॉलेज में लाइफ नहीं होती, असली लाइफ तो कॉलेज के बाद शुरू होती है। चाय पियो। आदि, कल तुम्हारा कैंपस इंटरव्यू है ना? यस। तुम्हें कितनी सैलरी मिलेगी? मेरे सीनियर्स को पर मंथ 80,000 मिलते हैं। मेरे टैलेंट के हिसाब से मैं 1.5 लाख रुपए पर महीने मांगूंगा। लेकिन अगर उन लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की तो मैं 1,25,000 में मान जाऊंगा। सुपर। फिर EMI पे SUV खरीद लेते हैं। जब तुम मेरा हाथ मांगने घर आओगे तो पापा की नजरों में तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। ये कैसा रिज्यूमे है? इसमें तो कुछ भी नहीं है। सर आप मैंगलोर से हैं? हाँ हूँ। क्या तुम भी वहीं से हो? नहीं सर, मैसूर से हूँ। सर मेरे रेज्यूमे पे मत जाइए, बट मैं बहुत टैलेंटेड हूँ सर। इतने टैलेंटेड हो कि कॉलेज भी सही से अटेंड नहीं किया? हाँ सर, थोड़ा बिजी था मैं। प्यार में बिजी थे? यस सर। अच्छी बातें करता है ना। आई लाइक योर ऑनेस्टी। तुम कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो? सर अराउंड 1.5 लाख तक। हाँ? 1 लाख भी चलेगा। तुम्हारी ऑनेस्टी के लिए सिर्फ 1 लाख। वी विल ऑफर यू 2.6 लाख। थैंक यू सर। सब कुछ काट कर तुम्हें पर मंथ 20,000 मिलेंगे। एंजॉय करो। बापरे, मतलब साल भर का 2,60,000। रिसेशन के टाइम पे जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे बापरे, मैंने तो उसे कितने सारे झूठे सपने दिखा दिए हैं। मेरी सैलरी तो पर मंथ 20,000 रुपए ही है। हाय, क्या हुआ? मुझे जॉब मिल गई है। वाओ, कांग्रेट्स। सैलरी कितनी है? 20,000 रुपए। ओ, बस इतना ही? कोई बात नहीं, दुखी मत हो, हर 6 महीने के बाद सैलरी बढ़ती ही है ना, सो टेंशन मत लो। ओके, मैं बाद में बात करती हूँ। कांग्रेट्स अगेन, बाय। वाह। क्या बेटी, किसे कंग्रेचुलेट कर रही हो? मेरे फ्रेंड को माँ, कैंपस इंटरव्यू में उसका सिलेक्शन हो गया है। ओ, सैलरी कितनी है? 20,000। 20,000 रुपए? लोग 20,000 के लिए पूरे महीने काम करते हैं। कितना मुश्किल है ना ये सब। और तुम हो कि बस कार्ड स्वाइप करती हो और 1 लाख की शॉपिंग कर लेती हो, एक बार सोचती भी नहीं। तकलीफ के बारे में तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो रानी की तरह रखा है इस घर में। अब तुम्हारे लिए एक अमीर लड़का ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ मिलेगा ऐसा लड़का। जो विजय और मैं एक ही कंपनी में हैं, सुषमा भी सेम कैंपस में है, बहुत मजा आएगा और सबकी सैलरी भी सेम है। पता है मैं बहुत टेंशन में था कि विजय को मुझसे ज्यादा सैलरी मिलेगी तो क्या होगा, लेकिन अभी मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ। जो जो हाँ? क्या हुआ तुम्हें? मुझे पता है मैं जा रहा हूँ इसलिए तुम दुखी हो ना। अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो, 1 साल के बाद तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में रेफर कर दूंगा, फिर हम दोनों की कंपनियां सेम होगी और सैलरी भी सेम होगी, मजा आ जाएगा, है ना? जो क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं। बताओ ना क्या हुआ। आदि, मैंने सोचा था तुम्हारी सैलरी 1 लाख होगी और हम जल्दी से सेटल हो जाएंगे। हमारी लाइफ के लिए मैंने बहुत कुछ सोच लिया था, पर 20,000 सैलरी में क्या होगा आदि? hey, बस इतनी सी बात है क्या? मैं डबल शिफ्ट में काम करूंगा और डबल सैलरी मिलेगी, मुझे पता है तुम्हें। देखते देखते मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा। फिर ठीक है, पर तुम हर वीकेंड पे मुझसे मिलने आओगे ना? हाँ वो तो मैं आऊंगा ही, फ्राइडे रात को मैं मैसूर आ जाऊंगा। अपने एरिया में, अपनी गली में हम हीरो होते हैं, लेकिन शहर में आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ हम कुछ नहीं है। मैं और विजय साथ में ही रहते थे और साथ में ऑफिस भी जाते थे। शहर में आने के बाद हमने एक कसम खाई थी कि हम बस एक ही काम करेंगे, कैसे भी करके हमें सेटल होना है और उसके लिए हम बहुत मेहनत करेंगे। और उसी के चक्कर में मैं डबल शिफ्ट, ओवरटाइम, सब कुछ करने लग गया। और ये सब करते करते समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। रात दिन कैसे निकल रहे थे कुछ पता ही नहीं चल रहा था, दिन कटते जा रहे थे। जिंदगी बहुत तेज भागती है और वो स्पीड मेंटेन करने के लिए मैंने एक सेकेंड हैंड कार खरीदी। वैसे भी कार मुझे बहुत खुशी देती है। ये अच्छा है ना? हाय विजय। क्या हुआ आदि, बहुत खुश लग रहे हो? क्यों नहीं, प्यार में जोश होता है। हाय। हाय आदि। निधि। आदि, दिस इज निधि, ये मेरे टीम में काम करती है। दिस इज आदि, मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड। हाय। क्या रे आदि, मैसूर जा रहा है? और नहीं तो क्या, कल वैलेंटाइंस डे है,
फुल पार्टी। अच्छा निधि, तुम्हारा कोई प्लान है क्या? कुछ नहीं, ऑफिस। हे हाउ बोरिंग। जो कितनी लकी है ना, ये उसके लिए बैंगलोर से मैसूर जा रहा है। क्या मतलब, मैं भी मैसूर जाकर वापस आ जाऊं? हे ओके गाइस, कल हम दोनों के रिलेशनशिप के 7 साल हो जाएंगे। सो हमारी तरफ से कल तुम्हें पार्टी मिलेगी। ओके ओके। विजू, मुसीबत में कोई पार्टी सेलिब्रेट करता है क्या? चुप हो जा, वो घूर रही है। हाय आदि। तुमने मेरी कार देखी? देखा। चलो दिखाता हूँ। एक मिनट रुको। वो देख यार, उसकी गर्लफ्रेंड कितनी सुंदर है। रुक यार, मैं उसको अभी देखता हूँ। अरे यार, हम लोग इस फालतू चीजों में क्यों ध्यान दें? चुप यार। हे ड्यूड। क्या हुआ भाई? क्या ड्यूड, वैलेंटाइंस डे मना रहे हो? हाँ मना रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम लोग वैलेंटाइंस डे के दिन यहाँ क्या कर रहे हो? हमसे कौन प्यार करेगा ब्रो? We are not lucky like you. Nobody has fallen for me. अच्छा मेरी बात सुनो, अगर तुम लोग अपना टाइम यहाँ वेस्ट करोगे तो लड़की कैसे पटाओगे? इधर उधर जाओ, कोई ना कोई पटी जाएगी। नेक्स्ट ईयर 100% तुम्हारे साथ भी कोई लड़की होगी। जो क्या रे, तेरी तो पूरी इंसल्ट हो गई। इसीलिए मैंने तुझे इंटरफेयर करने से मना किया था यार। अरे चुप रहो। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू। कार कैसी लगी? बहुत मस्त है। ड्राइव पे चलें क्या? मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। ठीक है चलो, मैं अपनी कार से तुम्हें रेस्टोरेंट ले चलता हूँ। तुम्हारी कार से नहीं, मेरी कार से चलते हैं। ओके। हे ऊपर वाले, अगर मुझे अच्छी लड़की नहीं मिली तो चलेगा, लेकिन इस लड़के को एक अच्छी कार दिला देना। कहाँ चलें फिर बताओ? साउदर्न स्टार। साउदर्न स्टार? वो बहुत एक्सपेंसिव है। हनुमान भंडार चलें क्या? टेस्टी खाना मिलता है। ओह गॉड, क्या तुम खाने के पैसे बचा रहे हो? वैलेंटाइंस डे साल में एक बार आता है, अगर तुम मुझे एक दिन खुश नहीं कर सकते तो पूरी लाइफ कैसे खुश रखोगे? मेरे लिए अच्छे अच्छे शादी के प्रपोजल आ रहे हैं, मैं कब तक अवॉइड करूंगी, और तुम पैसे बचा रहे हो। छे। चलो ठीक है, तुम्हें उसी रेस्टोरेंट में खाना खाना है ना? कोई बात नहीं, वहीं चलते हैं। लेकिन इस तरह से मुंह लटका के मत रहो मेरी जान। मैं जो बोल रही हूँ तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है? तुम इतने दिनों से बोल रहे थे मुझे कि लाइफ चेंज हो जाएगी, कब चेंज होगी यार? जो मैं तुम्हें खुश रख सकूं इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। क्या मेहनत कर रहे हो तुम भाई? 20,000 के लिए? और अभी क्या किया, वो सेकंड हैंड कार लेकर मुझसे मिलने आ गए तुम। तुमसे मैंने प्यार किया, मेरी किस्मत ही खराब थी। कैसा रहा तेरा वैलेंटाइंस डे? ए अबे क्या हुआ? विजू, मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। मैंने कल उससे खुद बात की। देखो, मुझे लगता है उन दोनों की लड़ाई हुई है। दिस इज द राइट टाइम। कहाँ है वो? उसके रूम का दरवाजा बंद है, शायद वो सो रहा होगा। तो उसे कॉल करो ना। हेलो। हेलो, कहाँ है तू? मैसूर में। अभी कहाँ है वो? मैसूर में है वो। व्हाट? हेलो हेलो, लगता है कट गया। आदि सॉरी। कभी कभी तुम पागलों की तरह बिहेव करती हो और नेक्स्ट डे फोन करके सॉरी बोलती हो, और मुझे भी तुम्हारे पास भागते हुए आना पड़ता है। सच में पक गया हूँ मैं तुमसे। सॉरी आदि। ठीक है, अब मुझसे गलती तो हो गई, चलो मुझे पनिश करो। ओ मेरी माँ, अब तुम मुझे टॉर्चर करना बंद कर दो। देखो तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी सेटल हो जाऊंगा, फिर हमारी लाइफ अच्छे से कटेगी, बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। करेक्ट। आदि, कल मैं बेंगलुरु जा रही हूँ। सुपर्ब, कल विजय और सुषमा की एनिवर्सरी है, तुम भी आना उसमें। घर पे फंक्शन है, नहीं आ सकती। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। नहीं नहीं, पूरी फैमिली रहेगी, रिस्क नहीं ले सकते। तो क्या हुआ, मैं आ जाऊंगा। आदि सॉरी। अरे यार, तुम्हारी सॉरी सुन सुन के मैं परेशान हो चुका हूँ। सॉरी 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 सॉरी।
अच्छा निधि, हाँ? तुम्हारा होम टाउन कहाँ है? उडुपी। ओह, फिश तो खाती होगी ना? हाँ, मैं खाती हूँ। ए आदि, फ्लाईओवर के ऊपर से चलना यार, प्लीज। फ्लाईओवर से नीचे चलते हैं यार। कहाँ जा रहा है यार तू? कुछ नहीं यार, जो से मिलने जा रहा हूँ। मैंने सोचा उसे सरप्राइज दूँ, उसे खुशी मिलेगी। ओह, तभी कहूँ आदि आज इतना खुश क्यों है? हेलो, बाहर आ जाओ। मुझे उसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। सबसे पहले उसे सरप्राइज दूंगा, फिर तुमसे मिलवाऊंगा। तुम इन दोनों को क्यूट बोलती हो ना, पर हमें देखना, हम लोग क्यूटेस्ट हैं। आई सी। हाय जो, तुम यहाँ क्यों आए हो? किसी ने देख लिया तो? मैंने तुम्हें मना किया था ना। हे रिलैक्स रिलैक्स, पता है मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, ये देखो चॉकलेट्स। ओह वाह, चॉकलेट्स, व्हाट अ सरप्राइज। डिस्गस्टिंग, ये भी कोई सरप्राइज है? छी, मैंने तुम्हें आने के लिए मना किया था, आजकल तुम मुझे बहुत इरिटेट कर रहे हो आदि। जस्ट लीव नाउ। मैं जरा थोड़ी देर में आता हूं। यादी, जो फोन कर रही है शायद सॉरी बोलना होगा उसे। हेलो, मैं ये सब हैंडल नहीं कर पाऊंगी यादी, मैं पागल हो जाऊंगी। मेरी फैमिली मुझे शादी के लिए फोर्स कर रही है, और आज मैं यहाँ फंक्शन में एक लड़के से भी मिली आदि, और तुम पागल यहाँ चॉकलेट लेकर आ गए। आई डोंट थिंक दिस विल वर्क आदि। हे जो, तुम अपनी बकवास बंद करो। तुमने मुझे वहाँ आने के लिए मना किया था, लेकिन मैं आ गया, सॉरी। आदि, मैं उस लड़के से शादी के लिए मान गई हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या? सब खत्म करते हैं आदि, आई एम सॉरी। हे जो, जो, हेलो, हेलो। क्या बोली वो? बोल रही थी शादी करने वाली है, इसीलिए इतना ड्रामा कर रही है। पागल हो गई है वो, देखना कल खुद ही कॉल करेगी सॉरी बोलने के लिए। फॉरगेट इट यार, हम अपना मूड स्पॉइल क्यों कर रहे हैं, चलिए उसका रोज का नाटक है। आदि, सोचा ना यार। ए, बहुत रात हो गई यार, सोचा जब देखो फोन सोचा। हे आदि, क्या हो गया यार तुझे, बताना क्या बात है। फोन कर रहा हूं, फोन नहीं उठा रही है। मैसेज कर रहा हूं, रिप्लाई नहीं कर रही है। 3 महीने हो गए उससे मुझे बात किए। अबे उसने तुझे क्लियरली बोला था ना, किसी और से शादी कर रही है वो। वो किसी और से शादी कैसे कर सकती है यार, वो मेरे बगैर नहीं रह सकती, और मैं भी उससे बात करने के लिए पागल हो रहा हूँ। अब तो मर जाने का दिल कर रहा है। ए, फालतू की बकवास मत कर। तो फिर और क्या करूं मैं, उसके साथ न जाने कितने सपने देखे थे मैंने, लेकिन अब क्या हो गया, उसने चांस ही नहीं दिया मुझे। वो कैसे रह रही है मेरे बिना, तूने देखा था ना यार कितना खुश रहती थी मेरे साथ। अगर हम बात करेंगे तो बात बन जाएगी। देख, भूल जाओ उसे, दिस वोंट वर्क। अगर सुषमा ऐसा कुछ बोलेगी तब भी तू यही कहेगा क्या? ये तू क्या बोल रहा है यार। ठीक है, क्या करना है बोल। मेरी बात सुन यार, चलते हैं, कल उसका बर्थडे है, मैसूर चलते हैं। नहीं आदि, वो नहीं मानेगी। भाई तू मेरी बात सुन, अगर इस बार कुछ भी गलत हुआ ना, जो तू कहेगा मैं वो करूंगा, ठीक है ना?
वो मेरा इंतजार कर रही होगी यार। वो तेरा इंतजार कर रही होगी, ठीक है आखिरी बार। अगर इस बार वर्कआउट नहीं हुआ ना तो नेक्स्ट टाइम जो मैं बोलूंगा वो करना होगा, समझ गया? थैंक यू यार। क्या वो सच में आएगी यार? मैंने मैसेज किया है, वो आ रही होगी यार। पता नहीं कब तक घूमेगा ऐसे। हेलो, जो से पूछो वो कब आएगी? उससे अभी ये सब क्यों पूछना है? पूछ के बताओ जल्दी से। क्या भाई से लगता है पीके पड़ा है। आदि, हे आदि। जो आ गई क्या यार? वो नहीं आएगी, चल उठ। अरे नहीं यार, उसका बर्थडे है, वो आएगी। वो नहीं आएगी, चल चल। जो सामने जाके मिल ले। जस्ट 5 मिनट्स, मैं अभी आती हूँ। या हाय जो, हैप्पी बर्थडे। तुम आई क्यों नहीं? मैंने आने के लिए बोला था क्या? मैंने तुम्हें मैसेज किया था। मैंने रिप्लाई किया? नहीं, मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया था ना तो। हेलो, तुम होते कौन हो कुछ भी अरेंज करने के लिए? कितनी बार तुमसे कहूँ, आई हैव मूव्ड ऑन। जो, मुझे पता है तुम गुस्से में हो, एक बार शांति से बैठ के बात करते हैं। इन बातों का कोई मतलब नहीं है, आई हैव डिसाइडेड। जो, बात को समझने की कोशिश। प्लीज मुझे परेशान मत करो, इतने तो सेंसिबल हो ना। चलो चलते हैं। आदि, ये तुम क्या कर रहे हो? जरा भी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है क्या? दुनिया में वही एक लड़की है। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी लड़की ढूंढूंगी। हेलो, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तुम तो चुपी रहो। हे, मैंने क्या किया? उसने नंबर मांगा तो मैंने दे दिया। किसे पता था ये सब हो जाएगा? पता है, मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सुनो, इसका फोन देना, अब उसे कॉल करो। आदि, तुम्हारे अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट है ना, तो उसे तुम अभी कॉल करो और उसे मुंह तोड़ जवाब दो। उसे कॉल मत करना। हे, कॉल करो उसे। मैं मना कर रहा हूँ ना। मैं कॉल करने के लिए कह रही हूँ। एक बार कहने पे समझ नहीं आता है? मुझे दो, मैं ही करती हूँ। सुषमा, कॉल मत करो, मेरी बात सुनो। हे आदि, hey! मैंने तुम्हें कल ही मना किया था ना, फिर तुम मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे हो? लुक, अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं अपने घर वालों को तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। देखो, तुम्हें जिससे शादी करनी है तुम कर सकती हो। ओह, अब मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा। मैं भी तुम्हारा वेट नहीं कर रही। एक बात और। क्या है? हाँ बोलो बोलो, अच्छी तरह समझाओ उसे, बोलो ना। दोबारा मुझे कॉल मत करना। मैं और तुम्हें नेवर। सच में तुमने बहुत अच्छा किया। अब तुम देखना, भाई साहब मैसूर चले जाएंगे। हे आदि, प्यार में प्रॉब्लम हो तो उसे सॉल्व कर सकते हैं, पर प्यार करने वाले में ही प्रॉब्लम हो तो उसे सॉल्व नहीं कर सकते। तेरा प्रॉब्लम वो लड़की है यार। मैंने एक लड़की से बात की तेरे लिए। देखिए यार, तूने बहुत सफर कर लिया,
तेरी भलाई के लिए बोल रहा हूं, मेरे पे भरोसा तो है ना, तो एक बार उस लड़की से मिल ले यार। मैं तेरी मीटिंग अरेंज कर रहा हूं उसे। विजय में जरा भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? तुम तो तब तक जो के टॉर्चर से रिकवर भी नहीं हुए थे, तुम कैसे जा सकते हो किसी और लड़की से मिलने? बेवकूफ। मैंने विजय से प्रॉमिस किया था कि वो जो कहेगा मैं करूंगा, बट डेफिनेटली वो सब करने के लिए मैं रेडी नहीं था। मैं वहां क्यों गया था मुझे खुद नहीं पता था। हम जैसा लाइफ में सोचते हैं वैसा नहीं होता है, तो मैंने सोचा कि लाइफ जिस तरह से चलती है उस तरह से उसे चलने देते हैं। विजय जिस लड़की से मुझे मिलवाना चाहता था वो लड़की थी निधि। हाय। हाय, लेट आने के लिए आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, अभी आया हूँ। अच्छा तुम कुछ लोगी क्या? हाँ मैं सूप पीऊंगी। वन सेकेंड, एक्सक्यूज मी। यस एक्सक्यूज मी सर। टू सूप्स। ब्रोकली सूप? या। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। वन सेकेंड। हेलो, वो आ गई? ठीक है, उसे फ्लावर दे और अच्छे से बात करना। हाँ मैं करूंगा, सॉरी ऑफिस से कॉल था। नो प्रॉब्लम। फ्लावर्स? वेरी नाइस, थैंक्स। तो बताओ तो तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? मैं एक पीजी में रहती हूँ। जब छोटी थी तब पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में मारे गए थे, मुझे मेरी दादी ने बड़ा किया है। क्या तुम्हें ये बात पता नहीं थी? नहीं पता था। तो फिर तुमने कुछ बोलने को कहा ना, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया इसलिए मैंने कुछ भी बोल दिया, सॉरी। नो प्रॉब्लम। व्हाट एल्स? मतलब मेरा घर मैसूर में है। आई नो। मेरे पेरेंट्स? मुझे उनके बारे में पता है। मैं यहाँ शहर में? मैं वो भी जानती हूँ, तुम्हारे फ्रेंड्स ने सब बताया है। ओह वन सेकेंड। हाँ हेलो, तूने फूल दिया? हाँ। ठीक है, अब देर मत कर, उसे रिंग देकर प्रपोज कर दे। ठीक है, वही ऑफिस से कॉल। ओके। योर फूड इज रेडी सर। इट्स हॉट मैम। या। सूप? थैंक यू। थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम सर। या। पियो ना। एक्चुअली आई वांट टू टेल यू समथिंग। I had a very bad past. तुम बुरा ना मानो तो हम हिंदी में बात कर सकते हैं? इंग्लिश में बात करेंगे तो मुझे लगेगा हम अजनबी हैं, पर हिंदी में बात करेंगे तो लगेगा अपने से बात कर रहे हैं। ओके। तुम्हें तो मेरे और मेरे लव के बारे में पता ही है। सच कहूँ तो मैं तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम रेडी होगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। बस तुम एक बार हाँ कह दो, शादी के बाद मैं तुम्हें खुश भी रखूंगा। सॉरी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं, अगर तुम चाहो तो। सॉरी, अगर तुम्हें टाइम चाहिए तो टेक योर टाइम, अच्छे से सोच लो फिर बताना। तुम जो भी कहोगी चलेगा। मुझे लगता है कि मैं भी अभी रेडी नहीं हूँ, वो तो मैं बस यहाँ आ गया। सॉरी, टेंशन में मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, बस दो मिनट रुको तो सही। तुम कहाँ जा रहे हो? एक्चुअली पानी ज्यादा पी लिया, दो मिनट आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आना। अरे यार तुम उधर तो देखो। Thank God. जैसे मैंने सोचा था सारी चीजें बिल्कुल वैसी ही हुई हैं। विजू, तुमने लाइफ में पहली बार कुछ अच्छा काम किया है। आदि, वो बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगे।
और तुम दोनों के बीच में कभी कोई भी नहीं आ सकता। जो का कॉल आया था। हाँ, जो का? अब उसे क्या बात करनी है? हेलो। क्या है? फोन कर रहे थे क्या? मैंने? मैं तुम्हें कॉल क्यों करूँगा? फाइनली, तुम्हें रियलाइज तो हो गया। ठीक है, बाय। हैं? वो पागल हो गई है? इग्नोर यार। जो का मैसेज आया है क्या? निधि का है। क्या पूछ रही है? पूछ रही है पहुंच गए? ओके मिस्टर, तुम उसके साथ कंटिन्यू करो। ओके, तुम इसे क्या देख रहे हो? चलो मुझे पीजी में ड्रॉप करो। बाय बाय यार। ए आदि, आदि, ए आदि, तेरा फोन बज रहा है यार। हाँ यार, सुन रहा हूँ। निधि का फोन है। हेलो। सो रहे थे क्या? हाँ सो रहा हूँ। सॉरी डिस्टर्ब कर दिया मैंने, बाद में कॉल करूँ? नो नो, इट्स ओके। ऑफिस टाइम क्या है तुम्हारा? वही 9:30। ओके, 8:30 पिक करती हूँ, रेडी रहना। ओके। उसने बोला वो पिक करने आएगी। कभी तू किसी के लिए फुटपाथ पे इंतजार किया करता था, आज लड़की तुझे पिकअप करने के लिए आ रही है। सही है बाबा, गोल्डन टाइम है तेरा। ये तो मुझे पिक करने के लिए इलेक्ट्रिक कार से आई है। कोई बात नहीं। तुम नहीं आ रहे क्या? हाँ हाँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। प्लीज। सीट बेल्ट लगा लो। हाँ, सीट बेल्ट इसमें है क्या? हाँ, वहाँ पर। ब्रेकफास्ट किया? नहीं नहीं, करना है। ये लो। हाँ, वहाँ पानी है। हाँ? और यहाँ टिश्यू है। अब से बाहर का खाना मत खाना, मैं ले आऊंगी। चले फिर। क्या आदि, तुम कुछ और दिन सिंगल नहीं रह सकते थे क्या? तुमसे इतना भी वेट नहीं हो सका क्या? हेलो, मैं तुम्हारे हिसाब से अपनी स्टोरी बताऊं या फिर जो कुछ हुआ है वो बताऊं? नहीं नहीं नहीं, जैसे हुआ बिल्कुल वैसे ही बताओ। तो फिर चुप होके सुनो। हेलो, कहाँ हो तुम? कैंटीन में। ओह, लंच कर लिया तुमने? मुझे लगा हम साथ में लंच करेंगे। नहीं, अभी मैंने खाना नहीं खाया। तो फिर? विजय खा रहा है और मैं उसे देख रहा हूँ। देख रहे हो? ओह, तो फिर मेरे साथ लंच करोगे? हाँ हाँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। ओके। भाई, तू मेरा भी खा ले, मैं अभी आता हूँ। ओहो, भाई बहुत बढ़िया। ओके, तो फिर मैं चलूं? अर्जेंट काम है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगा हम कुछ देर बात करेंगे। ओके, बात कर देना, कोई बात नहीं। सीट बेल्ट रिमूव कर देती हूँ। उसने कहा कि वो मुझसे थोड़ी देर बात करेगी। मैंने सोचा कि वो 5-10 मिनट बात करके खत्म हो जाएगी, लेकिन जैसे उसने अपनी सीट बेल्ट हटाई, एक बार उसकी ट्रेन स्टार्ट हो गई तो फिर नहीं रुकी। मुझे पता है कि लड़कियां बहुत बोलती हैं, लेकिन इतना ज्यादा बोलती हैं ये नहीं पता था। मैं उसकी बातें सुन रहा था और जानबूझ के स्माइल कर रहा था। फिर फाइनली उसकी बात खत्म हो गई। मैं तो बहुत थक गई बात करके, मुझे भूख लगी है। पानी पूरी खाएं? हाँ ठीक है। ओह, लेट हो गया, अब तो पानी पूरी नहीं मिलेगा। पर तुम्हें भूख लगी है ना, चलो चेक कर लेते हैं। ओके।
मुझे लग रहा है वो बंद कर रहा है, हमें नहीं मिलने वाला। रुको मैं उससे पूछ के आता हूँ। एक मिनट रुको। hey, कोई बात नहीं, इट्स ओके। रुको मैं आ रहा हूँ ना पूछ के। भैया हाँ क्या हुआ? एक प्लेट पानी पूरी चाहिए। अभी नहीं मिलेगा, बंद कर रहा हूँ। सिर्फ एक प्लेट? नहीं बंद करने का टाइम है। लड़की ने पहली बार मुझसे कुछ कहा है, समझ लीजिए आज मेरी इज्जत की बात है। कौन है? गर्लफ्रेंड है? नहीं। फ्रेंड है? नहीं। तो फिर? मैंने उसे रिंग पहनाई है। क्या कहा? रिंग पहनाई है? हाँ भैया दीजिए ना प्लीज। क्या बोल रहा है, ये रिंग पहनाई है? और सिर्फ एक प्लेट दे सकता हूँ, और मत मांगना। हाँ लगता है पानी पूरी काफी पसंद है तुम्हें। मैं इसके लिए तो मर सकती हूँ। ओह बहुत अच्छी बात है, कहो तो एक प्लेट और ले आता हूँ। सिर्फ एक प्लेट दे सकता हूँ, और मत मांगना। मुझे और नहीं खाना। करेक्ट, मैं भी यही सोच रहा था। बच गया। पानी पूरी तो बहुत टेस्टी था सच में। मैं दिन भर पानी पूरी खा सकती हूँ, पानी पूरी दिन में, रात में, दो बार, तीन बार, बिना बोर हुए खा सकती हूँ मैं। क्या हुआ, नींद आ रही है क्या? नींद आए तो बता देना। तो मैं क्या बता लेकिन ट्रेन है कि चलती ही जा रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, ना चाहते हुए भी मुझे सुनना पड़ा। खैर पता है उस दिन क्या हुआ, उसके बाद मैं ऑफिस से आई और थोड़ी देर तक तो मैंने कंट्रोल किया, लेकिन कितनी देर कर सकता था, फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आधी आधी हेलो आधी सो गए क्या? सोचो फिर। ओह गॉड, मुझे बकबक करने वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लड़कियों को मेरे जैसा होना चाहिए, काम और डीसेंट। तुम तो निधि के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे, तो उसे प्रपोज कैसे कर दिया? जब लोग बिना सोचे समझे शादी कर सकते हैं, मैंने तो बस उसे प्रपोज ही किया। बिल्कुल सही कहा भैया, मेरे पापा मेरी मम्मी को समझते ही नहीं है, 5 साल हो गए शादी को। ए, कितने साल का है तू? 13 साल का। पर तूने तो कहा कि 5 साल। वो तो मेरे पापा की दूसरी बीवी है। तुम्हें पता है ब्रेकअप होने के बाद अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा पेन होता है, शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। निधि जब मेरी लाइफ में आई तो सब कुछ कम हो गया, सच कहूँ तो फीलिंग बेटर। ठीक है एटलीस्ट तुम खुश तो थे। हे कितना हुआ? 100 रुपए। टिप विप मत मांगना ठीक है? ओके भैया। 100 रुपए हुआ है, जाके दे दो उसे। कितना बुरा, ये एक स्टूडेंट से बिल पे करवा रहा है। ये लो टिप्स। हाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। पर मुझे? हाँ कुछ नहीं। आदि आगे क्या हुआ? आगे मेरा बर्थडे था, चलो बैठो बताता हूँ। अबे तेरा फोन बज रहा है, देखना यार कौन है। अबे ने मुझे असिस्टेंट बना लिया है, फोन उठाओ, फोन देखो, निधि का फोन है। हेलो बाहर आ सकते हो? 12 बज गए हैं, तुझे बर्थडे विश करने आई होगी वो। तू विश नहीं करेगा क्या? मैं तो हमेशा विश करता ही हूँ। कुछ ठीक से पहन के जाना। ओहो केक गिर गया क्या? कोई बात नहीं, क्यों रो रही हो? अरे क्या हुआ, क्या हुआ? हे ये तो रोने लगी। अरे यार ये तो छोटी बच्ची दिख रही है। सही कहा भाई, चलो चलते हैं। चलो चलो यार, क्या इसे रो रही है। कौन थे वो लोग? We'll be right back.
देखो भाई, हमने उसका कोई रेप नहीं किया, हम तो बस उसे बात कर रहे थे कि ए, सुनना, चल भाग, चलते हैं यहाँ से यार, चल भाग। मार दे उसे, अरे मार, छोड़ा नहीं, मार, सोच क्या रहा है, मार ला उसे। प्लीज रुक जाओ, बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। तुम तो बहुत अच्छी फाइटिंग करते हो, मैं कितने प्यार से केक लाई थी और इन लोगों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब इस केक का क्या करूं मैं? एक मिनट रुको, मैं आता हूं। कहां गए थे तुम? केक कैसा है? इट्स वेरी क्यूट। कट करें इसे? कैंडल बुझाओ। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में जानती हो, फिर क्यों तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया? मैंने सुना था कि तुम प्यार में कितने सिंसियर थे और तुम कितने अच्छे से उसके टैंट्रम्स को झेलते थे, यहाँ तक कि तुम पूरी रात मैसूर के रोड पर सो गए थे। तुम्हें किसने बताया? तुम्हारे फ्रेंड्स ने। ओह, मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख होता है। अगर तुम उसके जैसी लड़की को इतना प्यार कर सकते हो तो मैं तो इतनी अच्छी लड़की हूँ। हाँ? मैं सिर्फ इमेजिन कर सकती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करोगे। मैं क्या इस रिंग की फोटो ले सकता हूँ? श्योर। ओके। मुझे दो, मैं क्लिक करती हूँ। तुम्हारा हाथ लाओ। बहुत अच्छा है ना? व्हाट्सएप डीपी रख देती हूँ। डीपी? हाँ क्यों? हाँ लगा दो। अरे तुम दोनों को मिलवा के मैंने गलती कर दी है, न रात में सोने देते हो न दिन में सोने देते हो, पहले तो ये रिंग टोन चेंज कर तू अपना। हेलो। हाय आदि, हैप्पी बर्थडे। मैं स्पेशली तुम्हारे बर्थडे के लिए बेंगलुरु आई हूँ, लोकेशन भेज रही हूँ, आ जाओ। मुझे 10 बजे मिलना, बाय। शॉक क्यों हो रहा है? किसका कॉल था बे? जो का कॉल था। क्या? हेलो, तुम उससे मिलने का प्लान तो नहीं कर रहे हो ना? गलती से भी ऐसा मत करना यार, तुम तो कुछ बोलो। वो इतनी दूर मैसूर से तुमसे मिलने आई है, उसको अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम उससे नहीं मिले तो। देखो, तुम इसको जानती नहीं हो, ये उसके पास पहुंच जाएगा। जाओ प्लीज। आदि, हैप्पी बर्थडे। मेरे साथ आओ। ये लो, केक काटो।
दादी मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। उस रेस्टोरेंट में चलें? नहीं, कार में ही बात करते हैं। ठीक है, चलो। आदि, तुम्हारी कार में बैठते हैं। ये क्या आदि, तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सीरियसली? तो अपना हाथ देना, दो ना। ऐसी किसी लड़की का हाथ नहीं पकड़ते, ऐसे पकड़ना चाहिए। चलो अब एक फोटो क्लिक करो। क्या हुआ आदि, तुम मेरे साथ फोटो क्लिक नहीं करना चाहते? तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए आदि? आदि मुझे पता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारी इंसल्ट की थी आदि। तुम जो चाहो मुझे सजा दे सकते हो, बट प्लीज तुम मुझे अब छोड़ के मत जाना आदि। हम कितने साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, मैं जब भी गलती करती हूँ तुम तो मुझे हमेशा माफ कर देते थे ना आदि। तुम्हें तो पता मैं कितनी बड़ी बुद्धू हूँ, मुझे तुम्हारी वैल्यू अब पता चली है। प्लीज मुझे एक और चांस दे दो। अगर मैंने दोबारा गलती की तो तुम मुझे छोड़ के जा सकते हो, तब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगी। डोंट यू थिंक आई डिजर्व वन मोर चांस? प्लीज आदि। जो, प्लीज प्लीज मुझे कुछ टाइम दो, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। आदि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। आदि प्लीज। आदि जो भी तुम जाओ मैं तुम्हें कॉल करूंगा। आदि प्लीज, मैं कॉल करूंगा ना, तुम जाओ। आदि आज जो वो सॉरी बोल रही ना, बस ड्रामा कर रही है। तुम्हें किसी और के साथ देख के उसे जलन हो रही है। उसने तुम्हारी डीपी देखी थी। तुम्हारा और मेरा रिश्ता बस एक महीने का है, बट उसके साथ 4 साल का था। अगर तुम उसे चाहते हो तो डिसाइड कर लो, डोंट रिग्रेट इट लेटर। ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा नहीं लगेगा, बट कुछ दिनों के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। क्या डिसाइड किया तुमने? उसका नाम निधि है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता, कभी नहीं। ओह, इसका मतलब तुम मुझे धोखा दे सकते हो? इतनी जल्दी मुझे भूल गए और इतनी जल्दी तुमने एक लड़की भी पटा ली? कितने नीच इंसान हो तुम। क्या तुमने उसको मेरे बारे में बताया या फिर तुम उसके साथ भी खेल खेल रहे हो? ओ गॉड, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आई वाज जस्ट फूल्ड। मुझे शर्म आ रही कि मैंने तुमसे प्यार किया। यू सच अ चीट, आई कांट। सबसे पहले हिंदी में बात करो। हाँ? तुम्हें मुझसे प्यार करने में शर्म आती थी ना? तुम्हें मेरे काम को लेके भी तो शर्म आती थी, यहाँ तक कि मेरे गिफ्ट से भी। मेरी गाड़ी में बैठने में तुम्हें शर्म आ रही थी। और हाँ, नॉर्मल होटल में तुमसे खाना नहीं खाया गया, क्योंकि वो तुम्हें पचता नहीं ना, क्योंकि हमेशा से तुम 5-star होटल में खाती आई हो। पता है तुम्हें गरीब लोग तो इंसान लगते नहीं है, हमेशा अपने बाप के पैसों पे मजे करते आई हो। भला तुम क्या जानोगे कि मेहनत करने वाले लोग कैसे होते हैं? आज तुम मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने आई हो ना? तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं पूरी रात फुटपाथ पे सोया था, तब कहाँ थी तुम उस दिन? पिछले 6 महीनों से मैं कैसे जी रहा था, इसके बारे में तो तुमने कभी सोचा ही नहीं, और आज तुम्हारा प्यार जाग गया। हे आदि, जस्ट शट अप, ओके? हे इडियट, दोबारा मुझे फोन मत करना। व्हाट? छे। आदि। क्या आदि, तुमने ऐसे बात की? हाँ, काफी दिनों का फ्रस्ट्रेशन था, एक बार में निकल गया। क्यों, गलत किया क्या? नहीं नहीं नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक काम किया। पर ये निधि मुझे ना बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगती है। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। उसने तुम्हें टाइम दिया, ब्रेकफास्ट भी लेकर आई, रात को तुम्हारे लिए केक भी लेकर आई, उसने तुम्हें तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड से भी मिलने दिया। वाह वाह, वो तो एकदम परफेक्ट है। पर तुम खुद ही सोच के देखो, क्या कोई लड़की इतनी परफेक्ट हो सकती है? मुझे तो लगता है कि वो दिखावा कर रही है। एक्चुअली मैं भी बहुत कंफ्यूज था। करेक्ट, यस यस, बिल्कुल ठीक लग रहा है तुम्हें। यू आर ऑन द राइट पाथ। फिर तुमने आगे क्या किया? मैंने क्या किया? हाँ, क्या किया? उसी कंफ्यूजन में मैंने शादी कर ली। व्हाट? तुमने
उससे शादी कर ली, पर तुमने तो कहा कि तुम कंफ्यूज थे। हाँ, हम लड़के ऐसे ही होते हैं, कंफ्यूजन में शादी कर लेते हैं और शादी करके कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या आदि, मैंने जब तुमसे पूछा तो तुमने तो कहा कि तुम सिंगल हो। नहीं, तुमने ही कहा था ना कि तुम सब कुछ सही गेस करती हो, तो इसीलिए मैंने कुछ नहीं बोला। हे, अब इतना कुछ सुन लिया तो फर्स्ट नाइट के बारे में भी सुन लो। फर्स्ट नाइट? हाँ, सच में ये एपिसोड तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, सुनोगी तो पागल हो जाओगी। अरे मेरे पैर मत छूना। मैं तो बस ग्लास रख रही थी। ओ, ठीक है। तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है क्या? नहीं नहीं है। नहीं, वो वाला नहीं। मैं हूं। ऐसा है? है। सारे लड़के अपनी फर्स्ट नाइट के लिए हमेशा से सपने देखते हैं, और तुम? ए, तुम क्या सूंघने की कोशिश कर रहे हो? मैंने भी देखा है। एक्चुअली जब मैं छोटा था तभी देखा था। जब तुम छोटे थे? छोटे का मतलब बहुत ज्यादा छोटा नहीं, मतलब थोड़ा यंग हो गया था। क्या सोचा था कि हम ऐसे दूर दूर बैठे रहेंगे और पूरी रात बिता देंगे? सॉरी, ऐसा नहीं था। तो फिर कैसा था? ये सब तुम्हारे लिए नया नहीं है ना? ये क्या बोल रही हो? ये मेरे लिए नया ही है। ओह, तो तुमने अब तक कुछ भी नहीं किया है? ऐसी बात नहीं है। मतलब किया है? अरे नहीं नहीं, वैसा मैंने कुछ नहीं किया है। तो फिर क्या किया है तुमने? हाँ, तो मुझे 2 मिनट दोगी क्या प्लीज? इसीलिए लोग बोलते हैं शादी से पहले प्यार नहीं करना चाहिए, या फिर प्यार करने वालों से ही शादी करनी चाहिए। कम ऑन। सुंदर लग रही हूँ। तुम बहुत लकी हो, मेरी आंखें, हाइट, कलर, स्माइल, सब कितनी ज्यादा प्यारी है ना। तुम मेरा दिमाग खराब करती हो, मुझे परेशान भी करती हो, अपने बारे में अच्छी बातें बोल करके मुझे बेवकूफ बनाती हो। तुम फ्रॉड हो, फ्रॉड हो तुम। हाँ, मैं फ्रॉड हूँ? मैंने देखा है तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड को। वो एक्स नहीं है, डबल एक्स थी वो। डबल एक्स? एक्स तो पहले वाली थी, डबल एक्स वो थी। उसका नाम रीमा था, मेरे हाई स्कूल का प्यार। जब वो अपना चश्मा उतारती थी, टाइटैनिक की हीरोइन की तरह लगती थी। उसकी आंखें, उसके लिप्स, उसकी स्माइल, और बात भी कम करती थी। क्यों? गुंगी थी क्या वो? हा? मतलब कि वो सिर्फ काम की बात करती थी, हमेशा तुम्हारी तरह पक पक नहीं करती थी। ओह, आई सी। चलो एक फोटो दिखाओ मुझे उसकी। 15 साल हो गए उसे देखे।
अच्छा तुम इस बारे में पूछ क्यों रही हो? हाँ चलो वर्कआउट करो, बहुत मोटी हो रही हो। मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि अब से मैं फुल वर्कआउट करूंगी और डाइट भी करूंगी। हाँ, क्या करूं, बहुत भूख लग रही है मुझे। चलो पानी पूरी खाने चलते हैं। क्या पानी पूरी? कोई जरूरत नहीं है, कार में एप्पल रखा है, जाके खा लो। क्या मैं पेशेंट हूँ जो एप्पल खाऊंगी? मुझे पानी पूरी ही खानी है। मैंने मना किया ना? मैंने बोला मुझे चाहिए। मैंने मना किया ना, अब जिद मत करो, समझी? ओहो, शादी से पहले पानी पूरी मांगती थी तो कहीं से भी लाके देते थे, और अब शादी हो गई तो ड्रेस खत्म हो गया। अब मैं कह रहा हूँ मुझे पानी पूरी चाहिए, तुम ऐसा मत करो। वो सब मैंने गुस्से में बोल दिया था। एक प्लेट और लेके आऊं क्या? तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं, एक बार शुरू हो गई पानी पूरी तो रट लगा रखी थी। पानी पूरी की वजह से उल्टी नहीं हुई मुझे। ओह, मैंने एप्पल खाने को बोला ना, इसलिए उल्टी हुई होगी। मैंने अपने हाथ से खिलाया, इसलिए हो गई क्या? नहीं। करेक्ट, अब समझ में आया। तुमने मेरे जैसे लड़के से शादी की ना, इसलिए तुम्हें उल्टी हो रही है। ये रीजन हो सकता है। क्या चाहिए तुम्हें? श्योर हो तुम? रियली? निधि के आने के बाद मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। सब कुछ सपने की तरह लग रहा था। थैंक यू निधि, मुझसे इतना प्यार करने के लिए। तुम्हारे साथ बिताए हुए हर पल मेरे लिए बहुत खास है। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग निधि। मुझे चाय चाहिए। ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा क्या? तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? अब तुम जॉब छोड़ दो, घर पे रेस्ट करो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। मैं क्यों छोड़ू जॉब? मैं नहीं छोड़ रही। मैंने बोला तुम्हें छोड़ने के लिए। मैंने भी तो नहीं बोला ना। मेरी बात तो सुनती नहीं हो, उल्टा जवाब देती हो। प्रेग्नेंट बीवी के साथ इस तरह से बिहेव करते हैं? सुबह सुबह डांट रहे हो, मुझे नहीं करनी बात तुमसे, जाओ। मैंने कब डांटा? ड्रामा शुरू हो गया इनका। ये लो चाय। मैंने सोचा तुम मुझसे नाराज होगी, इसलिए चाय नहीं पियोगी। क्या हुआ निधि? प्रेग्नेंट औरतें 7 महीने की प्रेग्नेंसी तक काम करती हैं, और तुम हो जो अभी से ही मुझे जॉब छोड़ने के लिए कह रहे हो। तुम्हें ऑफिस में कोई परेशानी नहीं चाहिए तो मुझे घर में लॉक करना चाहते हो? मुझे पता है तुम ना ऑफिस में अफेयर करने की प्लानिंग कर रहे हो, सब जानती हूँ मैं। अरे बाप रे, हो गया तुम्हारा? अब मैं कुछ बोल सकता हूँ? जो लोग अपनी बीवी से नॉर्मल प्यार करते हैं वो 7 महीने तक काम कराते हैं, लेकिन मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए तुम्हें जॉब छोड़ने के लिए बोल रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, तुम सिर्फ मुझे बुद्धू बना रहे हो। ऑफिस में तुम्हें टेंशन होगा, प्रेशर होगा, इसीलिए कह रहा हूँ छोड़ने को। देखो तुम मेरी प्रिंसेस हो, प्रिंसेस की तरह घर में आराम करो, तुम जो चाहती हो वो मांग सकती हो। मैं जो भी चाहे मांग सकती हूँ? हाँ। पानी पूरी लाके दोगे? बस इतनी सी बात, ले आऊंगा। क्या हुआ मिस्टर आदित्य, बहुत खुश लग रहे हो। मैं बाप बनने वाला हूँ सर। वंडरफुल, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। मेरे पास भी तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज? यू हैव बीन प्रमोटेड। थैंक यू सर। इट्स अ न्यू प्रोजेक्ट, तुम्हें इसके लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी, लेकिन तुम्हें उसके पैसे मिलेंगे। श्योर सर, नो प्रॉब्लम, आई विल डू इट। गुड, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सर। हेलो। हाय निधि। हाय। तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। क्या तुम जॉब क्विट कर रहे हो? नहीं पागल, मेरा प्रमोशन हो गया। कॉन्ग्रेट्स। hey, इतना उदास हो के क्यों बोल रही हो?
क्या हुआ तुम्हें? मैं घर में बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। मुझे पता है मेरी प्रिंसेस बोर हो रही होगी, इसीलिए हम साथ में लंच करेंगे आज। विजय और सुषमा को भी नहीं पता है, सरप्राइज देंगे उन्हें। लंच? ओके ओके, कहाँ जाएंगे? चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, इटालियन, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, नॉट स्टाइल। बाहर जाना है इसलिए तुम उठ के बैठ गई? हाँ, तुम्हें कैसे पता कि मैं उठ गई हूँ? मुझे सब पता है प्रिंसेस, रेडी रहना। लव यू। ओके बाय, लव यू। विजू, कुछ सरप्राइज की बात कर रहा था, क्या हो सकता है? जो ने फिर से कॉल किया होगा। मजाक किया मैंने। हे, देखो वो दोनों आ रहे हैं। लो, दोनों ने सेम टाइप की टी शर्ट पहनी है। टी शर्ट पे कुछ तो लिखा हुआ है, मॉम टू बी डैड टू बी। मॉम टू बी डैड टू बी। चलो चलो चलो। हे, क्या ये सच है? नहीं, हम तो बस ऐसे ही पहन के घूम रहे हैं। बुद्धू, कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेट्स। थैंक यू, मैं रेस्टरूम से होके आती हूँ। कांग्रेचुलेशंस ब्रो, तेरी लाइफ सही है। स्कूल में लड़की से प्यार किया, कॉलेज में प्यार किया तो शादी भी कर ली, और उसके बाद देख अब तू पापा बनने वाला है, और यहाँ मेरी लाइफ की लगी हुई है। तुम्हारी लाइफ का क्या? कुछ नहीं, मजाक कर रहा था। हाँ, भाई, स्कूल के प्यार को तूने बर्बाद किया और कॉलेज के प्यार को इसने। तुम दोनों की वजह से मेरी लाइफ ट्विस्ट कर गई है, पता है तुम लोग को? हेलो, हमने सुंदर लड़की ढूंढ के तुम्हारी शादी नहीं कराई, इसीलिए तो मैं तुम दोनों को पार्टी दे रहा हूँ। तुमने मेरी लाइफ जो बना दी। आओ निधि, तुम लोग पार्टी के हकदार हो। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? यस, तुम यस यस नो नो बोलना नहीं छोड़ते ना? व्हाट? व्हाट? तुमने एक नया वर्ड सीख लिया? कैसे मेरे पीछे घूमते रहते थे, याद है ना तुम्हें? मैं तुम्हारे पीछे? मेरी शादी हो चुकी है, शी इज माय वाइफ। हाय हाय, तुम तो कितनी क्यूट हो, तो फिर इससे शादी क्यों की? ये मेरे पीछे घूमता रहता था, इसलिए मैंने रिजेक्ट कर दिया था इसे। एक्सक्यूज मी, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो रही है, ये वो लड़का नहीं है। सुषमा, विजय, तुम दोनों भी यहीं पर हो? सुषमा, तुम्हें याद है तुम कैसे इसे डांटती रहती थी, भूल गई क्या? So stupid. तुम्हारे पति ने कहा था कि अगर मैं इसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करूंगी तो सुसाइड कर लेगा, विजय से कहा था इसने। सही कह रही ना विजय? रीमा, वाओ, फाइनली तुम लोग मुझे पहचान ही गए। वैसे मैं बहुत चेंज हो गई हूँ ना। आदि तुम्हारे बारे में बहुत बातें करता है। हाँ? रीमा ऐसी थी, रीमा वैसी थी। ओह रियली? हाँ? तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो क्या? ए, क्या बोल रही हो तुम? मैंने एक ही बार तो इसके बारे में तुमसे बात की थी। यू नो व्हाट, जब तुम मुझे प्रपोज करने के लिए आए थे ना, तो ये एक लंबी स्टोरी है। अरे रीमा, हाँ? छोड़ो ना उस बात को, क्या जरूरत है ये सब बोलने की? कम से कम तुम उसे बैठने के लिए तो कहो। वो मेरी इंसल्ट कर रही है और मैं अपनी इंसल्ट सुन रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ तुझे? एनीवेज, मुझे भी जाना होगा। तुम लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, जब अगली बार तुम लोगों से मिलूंगी तब तुम्हें पूरी स्टोरी सुनाऊंगी। ओके, यू ऑल टेक केयर। नहीं, सिली बॉय, बाय बाय। पहले फूल की तरह थी, अभी फूल गोभी हो गई है। मैंने पहले ही कहा था ये टाइटैनिक की हीरोइन जैसी नहीं लगती, पर तू ही रोज रोज कहता था। ए, ज्यादा मत बोल तू। हाँ, पहले इसका चेहरा देख। एक तरफ मुझे प्रमोशन की खुशी थी और दूसरी तरफ पापा बनने का इंतजार कर रहा था। लाइफ वॉज परफेक्ट, बट काम, करियर, इन सब की वजह से मैं अपने आप से काफी दूर हो गया और अपनी खुशियों को एंजॉय ही नहीं कर पाया। हेलो, कॉल क्यों नहीं किया तुमने मुझे? थोड़ी देर में कॉल करता हूँ ना। ओके। निधि के रेस्ट के लिए मैंने उसकी जॉब छुड़वा दी और इसी वजह से वो एकदम रेस्टलेस हो गई। हाय, क्या हुआ निधि, चिड़िया घोंसले में चली गई क्या? हाँ, हर बात पे टेंशन क्यों लेती हो? निधि इधर आओ, निधि जल्दी आओ। अगर तुम मुझे प्यार करती हो ना
तो मेरे तीन गिनने तक यहां आ जाना। 3, 2, 1। चलो ठीक है, मुझे प्यार नहीं करती हो ना, तो मैं इस पानी पूरी का क्या करूं, फेंकना पड़ेगा इसे। निधि एकदम इलेक्ट्रिक कार की तरह थी, मेंटेनेंस फ्री। वाइफ को डायमंड नेकलेस से भी कन्विंस करना मुश्किल होता है, पर मैं सिर्फ 25 रुपए की पानी पूरी से उसे कन्विंस कर लेता था। मैं बहुत लकी था कि मुझे ऐसी वाइफ मिली। तुम हमेशा बोलती हो ना कि घर में बोर हो रही हो, तो एक पानी पूरी की शॉप खोल दूं। सुपर आइडिया, तुम भी अपनी जॉब छोड़ दो, मेरे लिए पानी पूरी बनाते रहो और मैं खाती रहूंगी। उस दिन तो मैंने उसे पानी पूरी से कन्विंस कर लिया, नेक्स्ट टाइम उसे ऐसे ही कन्विंस करूंगा मैंने सोच लिया था, लेकिन हमेशा ये वर्कआउट नहीं होता है ना। आदि, मैनेजर ने तुझे कैबिन में अंदर बुलाया, जल्दी आ जा। ठीक है, अभी आता हूं। जल्दी आना। काम के चक्कर में मैं भूल ही गया कि मुझे किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, यही मेरी गलती थी। वाह, 20 मिस्ड कॉल। क्या हुआ निधि, रो क्यों रही हो तुम? किसी ने कुछ बोला क्या तुम्हें? यहाँ होता कौन है जो कोई कुछ बोलेगा? आज ऑफिस में बहुत काम था, वैसे भी हम 2 से 3 होने वाले हैं, तो मुझे सादा काम करना पड़ेगा ना। घर लेना है, कार लेना है, लाइफस्टाइल भी अपनी चेंज करनी होगी जिससे जिंदगी अच्छी हो। अगर तुम काम करोगे तो पैसे मिल जाएंगे, पर तुम नहीं रहोगे और तुम ही मेरे साथ नहीं रहे तो पैसों का क्या करूंगी मैं? मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए। मुझे नहीं पता कि हम कल कहां होंगे, बट मैं चाहती हूं कि अभी तुम मेरे साथ रहो। तुम रहोगे ना? मुझे भूख लग रही है। निधि को मैं हमेशा बच्ची की तरह ट्रीट करता था, लेकिन उसने भी जो मुझसे कहा वो बिल्कुल ठीक कहा था। अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए मैं उसे टाइम दे ही नहीं पा रहा था। फ्यूचर बनाने की कोशिश में मैं अपनी खुशियों से दूर हो रहा था, ये मुझे रियलाइज हो गया था। हम अपनी खुशियों को पाने के लिए मेहनत करते हैं, करियर बनाते हैं, लेकिन पता है असली खुशी क्या होती है? एक दूसरे के साथ अच्छे पल गुजारना। ये तुम्हारा कैसा डिसीजन है मिस्टर आदित्य? जरा एक बार सोचो तो, तुम्हारे प्रमोशन की बात है, दिस इज फॉर योर फ्यूचर। अच्छे फ्यूचर के लिए ही डिसीजन लिया है सर। एक मिनट। हेलो, हाय सुषमा, कहाँ हो तुम लोग? मैं तो विजय के साथ बाहर आई हूँ। मैं तो एकदम रेडी हो गई हूँ, क्या सरप्राइज है? सरप्राइज? ओ हाँ, कल तुम्हारा बर्थडे है ना? पर आदि ने मुझे कुछ नहीं बताया, अभी कहाँ है वो? ऐसा क्या,
शायद ऑफिस में होगा अभी, वो हर दिन लेट हो जाता है ना। शायद 12 बजे आके मुझे सरप्राइज कर दे। हाँ एक मिनट रुको। हाय। आ गए? हाँ? तुम इतनी जल्दी क्यों आए? तुम पागल हो गई हो? जल्दी आता हूँ तो प्रॉब्लम होती है, लेट आता हूँ तो प्रॉब्लम होती है। सुनो बहुत भूख लगी है, मैं फ्रेश होके आ रहा हूँ। डिनर के लिए बाहर ले जाएगा, उसने बोला भूख लग रही है, बाद में कॉल करूँ। हाँ ओके एंजॉय। ओके बाय। कहाँ जा रही हो तुम? तुमने तो बोला भूख लगी है, डिनर के लिए। ओह तुम्हें रोज बाहर का खाना खाना है, हेल्थ का क्या होगा? तुम बैठो आज घर पे ही खाएंगे। क्या हुआ तुम्हें? कुछ भी नहीं। मैं खिला दूं क्या? खुद खा लूंगी। ठीक है। चल रही है ना? घर पे ही है। घर में केक काट लिया ना? क्या था सरप्राइज? नहीं केक है ना ही कोई सरप्राइज। क्या कह रही हो, कहाँ है वो? सो रहा है यहीं पर। सो रहा है? रुको मैं अभी कॉल करती हूँ उसे। छोड़ दो, सोने दो उसे। सुनो सॉरी यार, मैं विश करना तो भूल ही गई थी। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। हैप्पी बर्थडे। क्या हो गया, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? ऐसा लग रहा तुम हमसे बहुत दूर हो। हम लोग नरक में बैठे हुए हैं। क्या? थैंक्स विजय। थैंक्स मेरा बर्थडे याद रखने के लिए और विश करने के लिए। पर तुम चिल्ला क्यों रही हो, मैं तुमको सुन सकता हूँ। हेलो हेलो। हैं? शादी के बाद पागल हो गई है ये। क्या हुआ स्वीट हार्ट? क्या स्वीट हार्ट? कौन है तुम्हारी स्वीट हार्ट? सब मेरे बर्थडे में मुझे विश कर रहे हैं, पर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इतनी देर से घोड़े बेचकर सोए हुए हो। ओह आज तुम्हारा बर्थडे है ना? मैं नई ड्रेस पहन के तुम्हारे आगे पीछे घूम रही हूँ, तुम देख नहीं सकते क्या? सॉरी 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 स्वीट हार्ट, हैप्पी बर्थडे। हाँ छोड़ो मेरा। मैंने आधी रात को तुम्हारे बर्थडे के दिन सरप्राइज दिया था कि नहीं? तुम्हें तो तब बहुत मजा आ रहा था, तुमने मुझे सरप्राइज क्यों नहीं दिया? अभी मैं तुम्हें इस टाइम क्या सरप्राइज दूँ? इसी टाइम पर तुम उसे सरप्राइज देने गए थे और पूरी रात मैसूर की सड़क पर सोए हुए थे। आहा हा हा हा, शादी के बाद इंटरेस्ट खत्म हो गया? सारे मर्द एक जैसे हैं। ऐसी बात नहीं है। ए, चलो निकलो। हा? निकलो।
तुम रो रही हो? सॉरी, मैंने तुम्हें लात मारी। So romantic. You both make a very good pair. तुम दोनों को देखने के बाद मुझे भी जल्दी से शादी करनी है। Actually, मुझे निधि अच्छी लगने लगी है। मैं उसे एक बार मिल सकती हूँ क्या? वैसे तुम्हें लड़का हुआ था या लड़की? क्या मैं गेस कर सकती हूँ? Please? आदि? आदि? तुम इतने चुप क्यों हो? क्या आप उनके हस्बैंड हैं? हाँ, क्या हुआ? मिसकैरेज हो गया है। कैसी हो? अभी ठीक है, आप जाकर मिल सकते हैं। निधि, सॉरी। तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? रो मत। हाँ, एक मिनट, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। हाँ, तुम रेस्ट करो आराम से। पेशेंट से आपका क्या रिश्ता है? मैं पति हूँ उसका। क्यों, क्या हुआ सर? एनी प्रॉब्लम? ब्लड सैंपल रिपोर्ट मिला है हमें, एससीजी लेवल बहुत हाई है। इफ इट्स टू हाई देन देयर माइट बी प्रेजेंस ऑफ मैलिग्नेंट सेल्स। एनी सीरियस इश्यू सर? मैं अभी कुछ कंफर्म नहीं बोल सकता। आप एक काम करो, गेट ए पेट स्कैन और ये सब टेस्ट करवाओ। एक बार रिपोर्ट आने दीजिए, फिर मैं आपके वाइफ की कंडीशन बता सकता हूँ। क्या हुआ है मुझे? आपके मिसकैरेज होने का कारण यू हैव ओवेरियन कैंसर। इट्स इन स्टेज 3। कैंसर? ऐसा नहीं हो सकता सर, रिपोर्ट गलत होगी सर। इसे कैंसर कैसे हो सकता है? देखिए ना कितनी हेल्दी है ये। क्या हुआ अगर कैंसर हो गया तो? ये तो अब कॉमन हो गया सर, इसे क्योर तो किया जा सकता है ना? नथिंग टू वरी, स्टेज 1, 2, 3 में इसे क्योर कर सकते हैं, इसके लिए ट्रीटमेंट है। तो आज से ही ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं? यस ऑफ कोर्स, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी करना पड़ेगा। इसके लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये बहुत स्ट्रांग है डॉक्टर, इनफैक्ट हम दोनों मिलकर फाइट करेंगे। वेरी गुड, डोंट वरी, आई विल बी देयर विद यू। कैंसर सेल्स दूसरे ऑर्गन में भी फैल चुका है,
इट्स इन द लास्ट स्टेज, सॉरी टू से दिस, और कोई भी ट्रीटमेंट वर्क नहीं करेगा। उनके पेन को कम करने के लिए सिर्फ पेन किलर दे सकते हैं, बस। क्या हम उसे ठीक करने के लिए कुछ और कर सकते हैं? क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? डॉक्टर ने मुझसे कहा है एक हफ्ते के अंदर ये एकदम ठीक हो जाएगी। सुषमा, तुम छुट्टी लेके रखना, हम कहीं घूमने जाएंगे। विजू, अच्छी सी जगह सेलेक्ट कर। निधि, आ जाओ। क्यों परेशान हो निधि? पता है मुझे डॉक्टर ने क्या कहा? तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। और पता है क्या कहा? तुम ऐसी पेशेंट हो जो बहुत जल्द रिकवर कर रही हो, तो फिर टेंशन क्यों ले रही हो? पता है ये क्रेडिट किसे जाता है? क्योंकि मैं इसे रानी की तरह रख रहा हूं। निधि, पानी चाहिए क्या? ए, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? चलो जाओ, ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा क्या? चलो चलो चलो, कल मिलते हैं। जाओ 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 जाओ। हे, मैंने जो बोला उसे भूलना नहीं। चलो जाओ। आधे मुझे पता है मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। किसने बोला तुमसे ये? तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? हाँ, तुम कंफर्टेबल फील कर रही हो ना? ये सब मेडिसिन की वजह से हो रहा है, बट ये टेम्पररी है। I'm sorry, आदि। तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? मैंने सपना देखा था मेरे बच्चे होंगे, पोते पोती होंगे, और हम दोनों साथ में जिंदगी बिताएंगे। पर मैं तुम्हें आधे रास्ते में छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। आदि, तुम्हें देखकर लग रहा है कि मेरे पास वक्त नहीं है। क्या तुम मेरी एक विश पूरी करोगे? तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ। क्या तुम मुझे घर लेके चलोगे प्लीज? तुम्हें निधि से मिलना था ना, वो यहां है। हाय निधि, देखो जरा कौन आया है। कैसी हो तुम? तुम्हारी जेरोक्स कॉपी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, बहुत कम बोलती है। हाय बोलो। अरे कैसे सुनेगी, मुंह खोल के बोलो ना। हाय। क्या देख रही हो? कि मेरी आंखों में आंसू नहीं है? उसी ने मुझे सिखाया है कि सच्चा प्यार क्या होता है और खुशी क्या होती है। अगर मैं उसके सामने रहूंगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। देखो, मुझे अकेला छोड़ के ये यहां खुशी से है। आदि, मेरा नेचर, मेरा हेयर स्टाइल, सब कुछ बिल्कुल निधि जैसा ही है ना? इसलिए तुमने मुझे बचाया और मुझे घर ड्रॉप किया और मुझसे बहुत सारी बातें की। लाइफ अभी बहुत लंबी है आदि,
क्या तुम कभी भी किसी और से प्यार करोगे? जब भी मैं किसी से प्यार करता था तो मुझे लगता था वो मेरा सच्चा प्यार है, लेकिन हर बार मैं फेल हो जाता था, फिर मैं नया प्यार तलाशता था। मानता हूँ मेरे साथ निधि नहीं है, लेकिन उसका सच्चा प्यार तो मेरे साथ है ना, इसलिए इस बार मैं फेल नहीं हुआ। लाइफ में हर किसी को सच्चा प्यार बस एक बार ही होता है, और वो मुझे हो चुका है, और इस लाइफ के लिए वो प्यार काफी है। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा आदि, बाय। आदि, दिस वॉज माई बेस्ट जर्नी। वैसे तुम्हारे फ्रेंड एकदम सही कहते हैं, जब तुम साथ में होती हो ना तो टाइम का पता नहीं चलता है। बाय।